I hope I'm audible, right? So this discussion was actually not planned, but mujhe aakhri lamhat pe hukum hua, to maine kaha ki chale theek hai. So the idea that the topic of my next 15 minutes is the problems which industry is facing in this road of data analytics. Being part of a corporate organization and have a whole career in corporate organization, we are facing multiple issues. I'll talk about them, and I'll try to highlight what are the core problems jinki wajah se organizations suffer kar rahi hain data analytics ki journey mein, aur Pakistan mein is area ko kya real issues hain jo ke face karne pad rahe hain. So let's start. First thing, आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम है वो डेटा नहीं है, बिकॉज डेटा हमारे पास बहुत है. अभी हम पैनल डिस्कशन पे भी बात कर रहे थे, हमारे पास पिछले 10, 12, 15 ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा. अगर आप किसी कॉर्पोरेट्स हैं, स्टार्टअप्स के ऊपर मैं आऊँगा थोड़ी देर पे, बिकॉज ये दोनों बहुत अलग स्ट्रीम्स हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट एनी कॉर्पोरेट, द प्रॉब्लम इज द स्टेट ऑफ डेटा. हमारे पास डेटा किस कंडीशन में है. वी हैव डेटा इन मल्टीपल सिस्टम्स, एंड लाइक व्हेन वी आर डूइंग डेटा वेयर हाउसिंग, हम बात करेंगे. उससे जब हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, सो हाउ मच मीनिंगफुल डेटा विच इज एक्चुअली अवेलेबल विद इन द सिस्टम. सो राइट नाउ डेटा विच इज रिजाइडिंग इन माय सिस्टम, इट्स कंडीशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक अ डैशबोर्ड फॉर माय सेल्स टीम, प्रॉब्ली आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ माय रीजनल सेल्स मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है. एंड दिस इन्फॉर्मेशन आई एम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम टू और थ्री डिफरेंट सिस्टम्स, प्रॉब्ली वन इज शेयर पॉइंट, अदर वन इज सीआरएम, और कुछ एसएपी से भी डेटा मेरा आ रहा है, एंड आई एम एक्सट्रैक्टिंग दीज three sources to a single dashboard. Just even if I'll talk about a single field of city, wo mujhe challenge karti hai, because CRM pe I'm maintaining Karachi as KRA CHI, SharePoint pe I'm maintaining as KHI, aur kahin aur hamare paas ek aur nomenclature use ho raha hai. I'll come towards ETL at the later part, but this is the real problem. To jo hum panel discussion mein bhi baat kar rahe the, data dictionary, data cataloging, master data management, ये सारे वो पेन एरियाज है जिनकी जिनकी वजह से डेटा एनालिटिक्स हम शुरू तो कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट समहाउ हम आगे जाकर प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज द स्टेट ऑफ आवर डेटा विच इज रिजाइडिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. सेकंड, आज इंडस्ट्री में ये मिथ है कि जस्ट अडॉप्ट दिस टूल, पावर बीआई ले लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी. टैबलो ले लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी. क्लिकसेंस ले लो, जिंदगी सुकून. क्यों? बिकॉज उसने भी तो लिया है, क्योंकि उसने लिया है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो हम भी लेंगे तो हमारा भी मसला हल हो जाएगा. और आज हम सब इस नहज पर आ चुके हैं, वी नो इट स्कूल कुछ से कुछ भी नहीं करता. व्हाट अबाउट योर बिजनेस प्रोसेस? आज आपके पास बिजनेस प्रोसेस डिफाइंड है? आज आपका बिजनेस प्रोसेस क्रिस्प है? आप बिजनेस प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं? हमारी सिचुएशन तो ये है कि हम बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने के बजाय सिस्टम को मॉडिफाई कर जाते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं जी डेटा की एनालिटिक्स नहीं हो रही. साहब, आपने पीछे सिस्टम मॉडिफाई कर दिया था, और द मोमेंट आप फिर उस मॉडिफाइड सिस्टम से डेटा निकाल रहे हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो स्टैंडर्ड एनालिटिक्स के डोमेन में चलेगा? सो टूल्स खुद से कुछ भी नहीं कर रहे, आपको बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रल वे में इंप्लीमेंट करने होंगे. आपको बिजनेस प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो करना होगा, और बिजनेस प्रोसेस पहले स्ट्रीमलाइन होगा, उसके बाद उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स होगी. आज बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, और हम डैशबोर्ड्स तक पहुंचे हुए होते हैं, और उसके बाद फिर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही होती है. और वो डैशबोर्ड हमेशा एक ऐसी चीज होती है, हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी मैनेजमेंट सी लेवल का एक दफा आपके डैशबोर्ड पे कॉन्फिडेंस हट जाता है, तो प्रॉब्ली वो दोबारा देखने की जहमत भी नहीं करता. सो इट इज दैट मच सेंसिटिव. थर्ड, सो एज आई जस्ट मेंशन, बिजनेस प्रोसेस इज द की. In which area you are going to do this data analytics, identification of business process. So aaj se 10 saal pehle agar main baat karta hu data analytics ki journey ki, it started with IT department. Data analytics was a pure baby of IT, but pichle 3 saalon mein ab ye domain IT se nikal kar business ke paas chala gaya, and somehow our industry is not accepting it, unfortunately. Still, see, IT can guide you about tools, IT can guide you about technology, but when it comes to data analytics, data analytics is a combo of tool and business process. The business process owner is the key person who is responsible to do this analytics, because he is the person who knows the inside of this business process.
And I am being the IT person who know this Power BI tool or Tableau or ClickSense, I'll become the person ki ji main dashboard banaunga. Mujhe sab aata hai. So this is something which is actually hindering the flow, the drive of data analytics within multiple organizations. Ke IT ke paas se ab ye role shift ho raha hai business ke paas, aur IT ab back end par support role pe hai. बट ये एनालिटिक्स है वो बिजनेस प्रोसेस ओनर को खुद करनी चाहिए जिसका बिजनेस प्रोसेस है. सो फॉर दैट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंस आई एम फ्रॉम आईटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी टू स्ट्रेंथन देम बिकॉज ऑल दे नीड टू लर्न इज अ सिंगल टूल. बाकी बिजनेस प्रोसेस उसी को पता है. आज क्या होता है, मैं बिजनेस प्रोसेस वाले के साथ बैठता हूँ एंड आस्क देम कि जी बताएं सप्लाई चेन कैसे चलता है. फर्स्ट आई लर्न सप्लाई चेन फॉर इंस्टेंस एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द डैशबोर्ड. रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है. बट अगर आप उसको टूल सिखा देंगे तो आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड आईसीआई बैक इन 2018 वी हैड अ डेटा एनालिटिक्स ड्राइव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ट्रेन्ड अराउंड 68 न्यू ग्रेड्स हु आर फ्रॉम लर्म्स आईबीए नर्स जीके एंड नाउ माय डेटा एनालिटिक्स ड्राइव इज रिजाइडिंग कंप्लीटली विद इन द बिजनेस. IT just at the back end. If you want this cube, okay, fine. We'll extract it out from data warehouse. If you want this set of data, fine. We'll extract it out from our SAP. But if you want to do analytics, it's your responsibility. IT will just support you. So that is another mind shift which we require in industry probably. And I may sound a bit harsh here because I'm devil's advocate, right? So what is going on and how we actually resolve it? So I'm covering both aspects. Next, combo of senior and junior resources. So, strategy, business process knowledge, experience. C-level, senior management has all these things. But, aap apni organizations mein bhi dekhenge, when it comes to data analytics, young bachche kar rahe hain, jo kaam kar rahe hain. Main expect nahi kar sakte ek banda jiska experience, for example, 15-20 saal ka hai, wo baith ke visualization create kar raha ho, ya wo extract out karke data cleansing kare. वो डिसीजन मेकर्स हैं. डिसीजन मेकर्स का काम ये होता है कि वो 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 रोड मैप देंगे और इन्होंने आना है, इन्होंने हैंड्स ऑन करना है. अनफॉर्चुनेटली आई वर्क विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और वहां पर जो हमने ऑब्जर्व किया कि सम हाउ ये जो ब्लेंड है ये उस तरीके से हो नहीं पा रहा. बिकॉज हो ये रहा है कि जो एनालिटिक्स के टूल्स पे काम कर रहा है उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वही करके देगा, उससे वैल्यू एक्सट्रैक्शन वही करके देगा. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज दिस बिजनेस नॉलेज, हु हैज दिस बिजनेस विजन, राइट? यू सपोज टू जस्ट ट्रांसलेट दिस बिजनेस विजन, दिस बिजनेस स्ट्रेटजी टू द गाय हु इज एक्चुअली हैंड्स ऑन योर सिस्टम, हु इज वर्किंग ऑन दीज टूल्स. और ये वो कॉम्बो है जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो जाता है कि आपके पास सीनियर्स हैं हु नो, हु हैव ऑल द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हु नो द बिजनेस ड्राइव, एंड यू हैव यंग ब्लड इन योर ऑर्गेनाइजेशन हु नो द टूल्स and who know the innovation, right? And digitalization. So ye jab combo hamare paas organizations mein create hota hai, it's absolutely a different ball game. Next, yeah, retention of resources. So we have two stream, I just mentioned, corporate and startups. Aaj problem kya ho raha hai? Aaj probably is hall mein zyadatar hamare paas corporate se hi log hain. I don't think so ke hamare paas koi Daraz se, OLX se, Foodpanda se, Kareem se koi yahan par baitha hua hai. I don't think so. कॉर्पोरेट की बिजनेस ड्राइव बहुत डिफरेंट है, स्टार्टअप की बिजनेस ड्राइव बहुत डिफरेंट है. स्टार्टअप में बच्चा आता है, फास्ट से ग्रेजुएट है, एनडी से ग्रेजुएट है, नर्स से ग्रेजुएट है, इस तरह किसी अच्छे या बिजनेस स्कूल से आईबीए लम से ग्रेजुएट है, उसको स्टार्ट में ही एक ऐसा पैकेज ऑफर हो जाता है जो उसका हवास उड़ा देता है. बट उसके अगेंस्ट जब आप आते हैं कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट आपको करियर देते हैं. तो ये वो डिफरेंस है जो कि मैं समझता हूँ मिलेनियल जो जनरेशन जी के दरमियान में बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है. तो मिलेनियल से भी हम पहले अगर चलते हैं जो हमारे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो शायद मिलेनियल्स तक लोग आए थे वो कॉर्पोरेट वो कैरियर्स देख रहे थे. अब जनरेशन वाई और जी जो है ये कहते हैं ये बताओ पैसा कितना मिलेगा, आज कितना दोगे. आई रिमेंबर आवर एचआर डिड अ होल स्ट्रेटजी और उन्होंने कहा कि जी हमने ऑफर लेटर्स को चेंज करते हैं, विल डू इट इन अ वे कि जी हम कार लोन, कार, मोबाइल, ये वो सबको ऑप्शनल करते हैं. एंड इफ यू चेक द ऑप्शन, चेक इट मार्केट एज अ चेक मार्क,
तो हम आपके पैकेज में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे तो हम इसके पैसे ऐड कर देंगे। ट्रस्ट मी, जनरेशन जी मोर देन 70% आर सबमिटिंग देयर फॉर्म विदाउट चेकिंग अ सिंगल बॉक्स। सबका पैसा दे दो भाई आज, दे वॉन्ट कैश इन हैंड एट द वेरी मोमेंट, राइट। अल्टीमेटली इस ड्राइव ने हिट किया एनालिटिक्स की जर्नी को, बिकॉज व्हेन कॉर्पोरेट्स वर प्लानिंग देवर लाइक के हमारे पास लोगों को रिटेन कैसे करना है, और जब वो बच्चा हमारे पास नर्स से या किसी और बिजनेस स्कूल से आता है उसको हम एनालिटिक्स सिखाते हैं, हम उसके साथ काम करते हैं 6 महीने साल होते हैं, तो वो एक दिन आ जाता है कि मैं एक्स वाई जी स्टार्टअप में जा रहा हूँ। और अल्टीमेटली वो जो स्टार्टअप की ऑफरिंग है वो कॉर्पोरेट से बिल्कुल मैच नहीं करती। सो दैट इज एक्चुअली अ रियल डायलेमा ऑफ दिस 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 इंडस्ट्री राइट नाउ, के डेटा रिसोर्स रिटेंशन विद रिस्पेक्ट टू न्यू रिसोर्सेज, जो पुराने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, जो नए उनको रोकना मुश्किल है। और ये डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज है हमारे लिए कि हम अच्छे नए रिसोर्स को कैसे रिटेन कर रहे हैं, बिकॉज आप एक रिसोर्स को हायर करते हैं एक्स अमाउंट पर, उसको एंड आई नेवर बी सरप्राइज इफ ही विल गेट एन ऑफर विद इन 3 months ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर। वाई? बिकॉज नाउ इज वर्किंग विद सम स्टार्टअप, और स्टार्टअप की डायमेंशन, उनकी डायनेमिक्स बिल्कुल है, और दैट्स वाई हम जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सारी जर्नी कर रहे हैं उनको हिट आती है, राइट। एंड सीरियसली नीड टू वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक डायमेंशन। देन यस, सो वैन इट कम्स टू इनोवेशन, वैन इट कम्स टू न्यू विंडोज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर कॉर्पोरेट आईटी इज ऑलवेज एक्सपेंस हेड। के आज तक तुम XYZ ClickSense यूज कर रहे थे, अब तुम्हें पावर बी आई के भी लाइसेंस चाहिए, अब तुम एजोर पे डेटा लेक भी बनाओगे, अब तुम AWS पे ये भी करोगे, राइट। सो फॉर देम आईटी इज अ एक्सपेंस हेड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टेक्नोलॉजी लीडर्स टू मेक इट अंडरस्टैंड टू देयर मैनेजमेंट के व्हाट विल बी द आरओआई, हम उससे क्या एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, और अल्टीमेटली हमारा एंड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल किस तरीके से बेनिफिशियल मोड में जाएगा। सो ये कोई 6-7 मेजर चैलेंजेस हैं जिनको इस वक्त इंडस्ट्री फेस कर रही है हमारी। और यस, ये जो मैं जब आई एम सेइंग इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, राइट। प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर हाउसेस में, प्रॉब्ली स्टार्टअप्स में, जो जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें ये चैलेंजेस इस तरीके से नहीं हैं। बट यस, इफ यू आर वर्किंग इन अ लार्ज स्केल ग्रुप, यू आर वर्किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ अ लेगेसी ऑफ 15-20 ईयर्स, उसके पास ये चैलेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। एंड यस, वी आर वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व देम, एंड लेट्स सी हाउ इट विल वर्क एंड हाउ वी कैन फिक्स देम इन अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच।